बिहार का सबसे विशाल सूर्य मंदिर बना है, जो कि आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे, और दूर दूर से लोग यहाँ पर ये सूर्य मंदिर को दर्शन करने पहुंच रहे हैं। और मैं बता दूं, मतलब शाम 6 बजे से 9 बजे तक जो है चित्रलेखा जी यहाँ पे कथा कहेंगे। 16 तारीख तक यहाँ पे रहने वाली है। तो आप देख पा रहे होंगे सूर्य। एक बार कथा में कोई एक मैया बैठी थी, तो ठाकुर जी के रूप का वर्णन चल रहा था कि भगवान ने आज बड़ा सुंदर लाल रंग का कपड़ा पहना, श्रृंगार ये वो, तो मैया रो रही। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हमारी मौजूदगी है गेरे, मानपुर गेरे, जो कि आपको मैंने पहले वीडियो दिया था सूर्य मंदिर का, जो कि यहाँ पे विशाल सूर्य मंदिर बनाया गया हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे। तो जग का 4th दिन है और यहाँ पे चित्रलेखा जी 10 तारीख से कथा जो भगवत कथा कह रही है, तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जग का पूरा नाइट व्यू, और हो सके तो चित्रलेखा जी का भी दर्शन करवाऊंगा और कुछ कथा भी सुनाऊंगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये नाइट व्यू है और बहुत अद्भुत खूबसूरत यहाँ पे आपको ये सूर्य मंदिर का दर्शन हो रहा होगा। आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से यहाँ पे सजावट हुआ है, लाइटिंग भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये अद्भुत सूर्य मंदिर, विशाल सूर्य मंदिर का आज दर्शन आपको हो रहा है, जो कि मैंने पहले वीडियो डाला था। आज मैं आपको ये सजा हुआ सूर्य मंदिर का वीडियो दिखा रहा हूँ, आपको दर्शन करवा रहा हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे और इधर जिस प्रकार से वहाँ पे जग मंडप बना हुआ है, जिसका लाइटिंग आप देख पा रहे होंगे अद्भुत। बहुत लोग आप चित्रलेखा से जो कथा करने पहुंच चुकी हैं, 6 बजे से 9 बजे तक इनका कथा होता है, जो कि 16 तारीख तक, 16 अप्रैल तक यहाँ पर, 10 अप्रैल से कथा कर रही हैं, तो 16 अप्रैल तक रहेंगी। तो अगर आप चित्रलेखा जी का दर्शन और उनके कथा सुनना चाहते हैं तो अवश्य आए, मैं आपको जरूर उनका दर्शन करवाऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इधर आप देख पा रहे हैं पंडाल जो बनी हुई है, जिसमें चित्रलेखा जी आपको कथा करते हुए इसी में विराजमान है और कथा कह रही हैं। 6 बज गया है और यहाँ पर जो है कथा करने के लिए चित्रलेखा जी पहुंच चुके हैं, और 9 बजे तक यहाँ पर कथा चलेगा, मतलब शाम 6 बजे से 9 बजे तक जो है चित्रलेखा जी यहाँ पे कथा कहेंगे। 16 तारीख तक यहाँ पे रहने वाली है। तो आप देख पा रहे होंगे सूर्य मंदिर। तो मैं बता दूं कि इनका भी आगमन हुआ है यहाँ गया के मानपुर में। जी हाँ, गया के मानपुर गेरे एक जगह है, गांव है, विलेज है, उस जगह पे ये सूर्य मंदिर तैयार किया गया है और बहुत अद्भुत सूर्य मंदिर तैयार किया गया है, जो कि बिहार का सबसे विशाल सूर्य मंदिर बना है, जो कि आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे, और दूर दूर से लोग यहाँ पर ये सूर्य मंदिर को दर्शन करने पहुंच रहे हैं। और मैं बता दूं 15 अप्रैल को यहाँ पर भगवान सूर्य भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, और 15 तारीख से आप यहाँ पे भगवान सूर्य का दर्शन कर पाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे काफी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और इधर मैं बता दूं कि 6 बज चुका है और चित्रलेखा जी भी यहाँ पे पहुंच चुकी है। तो चलिए मैं आपको चित्रलेखा जी का भी दर्शन करवाता हूँ, उनका भी कुछ कथा आपको सुनाऊंगा। ये नजारा आपको सूर्य मंदिर का जो देखने को मिल रहा है, ये वही पुल है जिस पे लोग खड़े हैं, और ऐसे ऐसे पुल जो कि 3 पुल निर्माण होंगे इस मंदिर पे आने के लिए, मंदिर प्रवेश करने के लिए। एक तरह से सूर्य मंदिर को इस बीचों बीच बनाया गया है, एक सरोवर के बीच में बनाया गया है, और इसके अनुसार जिस प्रकार से ये पुल तैयार हुआ है, जिस पे हम लोग विराजमान खड़े हैं, जिस पे चल रहे हैं, ये पुल है, और इसके नीचे आप देखिएगा तो गैपिंग जिस प्रकार से पुल होता है उसके अनुसार गैपिंग है, और इसमें 3 पुल निर्माण होगा। अभी जो है प्राण प्रतिष्ठा 15 तारीख को यहाँ पर हो जाएगा सूर्य भगवान का, और उनका आप दर्शन कर पाएंगे।
तो 15 तारीख को सूर्य भगवान का यहाँ पर 15 अप्रैल को सूर्य भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो होने वाला है। और चित्रलेखा जी यहाँ पे 16 अप्रैल तक कथा कहेंगे। और ये अद्भुत सूर्य मंदिर का दर्शन जो कि दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और लाइटिंग भी बहुत ज़बरदस्त कराया गया है जो कि आप देख पा रहे होंगे। एक बार कथा में कोई एक मैया बैठी थी तो ठाकुर जी के रूप का वर्णन चल रहा था कि भगवान ने आज बड़ा सुंदर लाल रंग का कपड़ा पहना है, श्रृंगार ये वो। तो मैया रो रही, बाद व्यास जी ने जाके कहा मैया तुम तो बड़ी भगत हो, भगवान के रूप का दर्शन करके श्रवण करके रो रही थी। बोले नाना बाबा तुम तो गलत समझ रहे। बोले फिर बोले लाल रंग की बात करी तो मुझे अपनो बेटा याद आ गयो जो 10 साल से मुझसे मिला नहीं, बाहर विदेश में रहता, उस पे लाल रंग की शर्ट बड़ी जचती है, उसकी याद आ गई इसलिए रो गए। तो ऐसा भी कई बार होता है, बोले कह कुछ और भाव से रहे और आदमी उसको लेकर के कई और भाव से चला जाता है। लेकिन जब आप से शुभ भगवान के लिए निकले या उनसे मिलने के लिए निकले तो उससे मन शुद्ध होता है। और तीसरा कहा मृदा, मृदा माने मिट्टी, और मिट्टी से मन शुद्ध कैसे होगा, कौन सी वाली मिट्टी, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुहाए। इसी भगवत चरण सदगुरु चरण संत चरण की जो रज है उस चरण रज से मन शुद्ध होता है। मिट्टी में बहुत ताकत होती है अगर वो मिट्टी किसी उच्च स्थान की हो तो। इसलिए सारे वृंदावन में आदमी जाएगा बाकी चीज बाद में करेगा, सबसे पहले वहां की माटी को प्रणाम करेगा। और होना भी यही चाहिए, वृंदावन जाओ तो पहला वृंदावन दर्शन की पद्धति है, ऐसी ही नहीं है घुस गए वृंदावन में फोटो ले लिए छाप दिए अपने सारे जगह पर कि हम वृंदावन आए हैं।